दोस्तों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। स्वागत है आप सबका। मैं रवि आर कुमार और एक मीडिया पर्सन, टीवी मीडियम से जुड़े हुए, प्रिंट मीडिया से जुड़े होने के कारण, और साथ में मैं माइंड पावर पे भी मैंने काम किया है और ह्यूमन हेल्थ के बारे में मैं काम कर रहा हूँ। जब इस बैकग्राउंड से आज के घटनाक्रम को मैं सोचता हूँ तो बागेश्वर धाम में जो बातें हो रही हैं, जो वहाँ के अधिष्ठाता हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे संबंधित तरह तरह की विवाद पूरे देश में फैल रहा है मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और एक कन्फ्यूजन की भी स्थिति है। और मीडिया, इस जो मास मीडिया है, इसमें एक अलग भूमिका निभा रही है। इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए आज देश के एनर्जी क्षेत्र में काम करने वाले, सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले, माइंड पावर के क्षेत्र में काम करने वाले, देश की सबसे बड़ी संस्था रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर एनके शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने न सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे काम किया है, कैंसर के हजारों पेशेंट पे काम किया है, कैंसर रोग पे काम किया है, बल्कि ऊर्जा विज्ञान पर भी काम किया है। रेकी से लेकर माइंड पावर तक और पूर्व जन्म के विद्या पर भी काम किया है और उसको एकदम वैज्ञानिक आधार दिया है। आज के इस विवाद के संदर्भ में मुझे डॉक्टर एनके शर्मा से ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति नहीं लगता जिससे इस विषय पर बात किया जा सके और बागेश्वर धाम के बारे में फैली तरह तरह की अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट और वैज्ञानिक राय ली जा सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर एनके शर्मा का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन ने आपके नेतृत्व में सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी हीलिंग के क्षेत्र में, माइंड पावर के क्षेत्र में, पास्ट लाइफ के क्षेत्र में इतना जबरदस्त काम किया है और मानवता का कल्याण काम आप सब कर रहे हैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन के माध्यम से। आप मीडिया के माध्यम से बागेश्वर धाम में चल रहे जो अभी का विवाद है और वहाँ के जो मुख्य कार्य हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे संबंधित तरह तरह के विवाद चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वह जो लोगों के मन की बात पहले जान के और जो बता रहे हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? थैंक यू रवि, आप सब लोगों को नमस्कार जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं खुद भी जो है रेगुलरली टीवी के ऊपर जिस ढंग से धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बहुत सारी जो अनाप शनाप बातें भी मैं सुनने को मुझे मिल रही है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो जो है वो समाज में जाना चाहिए और हम जैसे लोग जो सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान में काम करते हैं उनको पब्लिक के सामने आकर इसकी एक क्या सच्चाई है और क्या इसका वैज्ञानिक कोई आधार भी है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को बताना ये मेरा फर्ज बनता है। देखिए, रेकी हीलिंग फाउंडेशन में हम सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान पे काम करते हैं और हमने इस बात की रिकॉग्निशन की है कि हर आदमी में बहुत सारी अतींद्रिय क्षमताएँ होती है, जहाँ पंच इंद्रियाँ होती है वैसे अतींद्रिया नहीं होती है, यानी कि एक नॉर्मल सेंस से हटकर जिसको हम ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या जिसको हम हायर सेंसरी परसेप्शन भी कहते हैं, या हम उसको सुपर सेंसरी परसेप्शन भी कहते हैं, तो ये जो अति संवेदनशीलता जो है जिसके अंदर बहुत सारे जो है विज्ञान आते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे पैरानॉर्मल या पैरासाइकोलॉजिकल पावर्स आते हैं, इसके बारे में सामान्य जनता को बहुत कम जानकारी है। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को तो इसकी जानकारी ही नहीं और बहुत कम लोगों ने इसकी गहराई में जाकर इसके बारे में कुछ जाना है। देखिए, भारत के अंदर और पूरे विश्व भर में ये जो आज धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो पूरे विश्व भर में इस तरह के जो है प्रयोग किए जा रहे हैं और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। भारत में जो है जहाँ बाबा जो है एक प्रकार से अपने स्पिरिट गाइड्स, यानी कि जो उनके गुरु है या उनके दादा है, उनके साथ जो संपर्क करते हैं, वो तो जिसको स्पिरिट कम्युनिकेशन कहते हैं,
और ये स्प्लिट कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल है क्योंकि हमने खुद जो है इस तरफ के प्रयोग करके लोगों को लाभ दिया है। और ऐसा नहीं कि हम इसको चमत्कार नहीं मानते। देखिए चमत्कार जो है ना एक अज्ञानियों की भाषा है। जब तक आपको उसका विज्ञान नहीं मालूम इस सूक्ष्म जगत में जाकर हम एक सर्टन अल्टर स्टेट ऑफ माइंड में जाकर हम ब्रह्मांड से किसी भी चेतना के साथ जुड़ सकते हैं। हम वहाँ से कोई भी यूनिवर्सल विजडम या गाइडेंस या हम कई तरह की जो है अंतर प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कॉमन आदमी ने कभी इस सब्जेक्ट को जाना भी नहीं, ना हमारे कोई एजुकेशनल सिस्टम का कोई ये विषय है, इसीलिए इसके ऊपर इतने कन्फ्यूजन, इतने भ्रम और इतने वाद विवाद जो हैं अभी तक चले आ रहे हैं। बाहर विदेशों में आप जाएंगे तो वहाँ पर चैनलिंग के नाम से वहाँ पे बहुत सारे लोग चैनलिंग करते हैं या मीडियमशिप भी कहते हैं। तो मीडियमशिप पे वो लोग जो है कई तरह के स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन करके वो लोग जानकारी दे रहे होते हैं जो वाकई में हैरान करने वाली जानकारी होती है। इस तरह के भारत के अंदर भी इस तरह के लोग कुछ रहे हैं, सब तो नहीं रहे हैं, पाखंडी भी बहुत ज़्यादा है इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए ऐसी भीड़ के अंदर एक सही आदमी को सही ठहराना भी आसान काम नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैंने जब योगेंद्र शास्त्री को जिस ढंग से ऑब्जर्व किया है और मैं उनकी वीडियो देखता भी रहा हूँ, उससे मुझे लगा कि ये एक बिल्कुल जेन्युइन और ये एक सही पावर का अपना यूज कर रहे हैं जो उन्होंने साधना के माध्यम से प्राप्त किया है। देखिए आप लोगों ने कभी आप गूगल में जाके आप सर्च कर लीजिए इस तरह की जो बातें होती है कि जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग। अब जानते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है कि लोग स्प्रिट कम्युनिकेशन करते हैं ब्रह्मांड में, पता नहीं किसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं क्योंकि दिखता तो है नहीं। और ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियस माइंड से हटकर अपने आप जो ना पूरा जो है वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में वो आदमी अपने लॉजिकल माइंड से कभी लिख नहीं सकता। तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि ये कौन ऊपर से गाइड कर रहा है? तो कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन का जो विज्ञान है वो विज्ञान जो है मानव से बहुत छुपा रह गया। तो इंट्यूशन का मतलब है अंतर प्रेरणा। इंट्यूशन का मतलब है कि ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड में जाकर अब ब्रह्मांड की परम चेतना के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मौजूद है, एवरीथिंग इज देयर। और वहाँ पे आप अपने स्पिरिट गाइड्स या स्पिरिट जो भी होते हैं, देखिए जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करते ना, आप हमेशा उसको शक की दृष्टि से ही देखते रहते हैं। तो मेरा मानना क्या होता है कि अरे भाई आप खुद इसका प्रयोग करके देखो ना, और लोगों ने प्रयोग किए हैं, एक ने नहीं हजारों लोगों ने प्रयोग किए हैं। देखिए आप लोगों ने इस किताब के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ये किताब जो है बड़ी पॉपुलर है। इस किताब का नाम है द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। इस किताब का नाम है द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। जो ये खुर्शीद नामक जो महिला है, इन्होंने खुर्शीद भावना मेरी इन्होंने किताब लिखी है और ये किताब बड़ी पॉपुलर है। ये कैसे लिखी? इनका बेटा मर गया तो ये उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करती रही और वो जो गाइड करता रहा वो ऑटोमेटिक राइटिंग से लगातार लिखती चली गई। और लिखते लिखते उसने पूरी वो जानकारी प्राप्त की जो इसका अपना कॉन्शियस माइंड वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता था। देखिए इंट्यूशन जो वर्ड है ना उसके अंदर बहुत सारे विभाग आते हैं, यानी कि सूक्ष्म ऊर्जाओं को देखना, सूक्ष्म ऊर्जाओं को फील करना, सूक्ष्म ऊर्जाओं को सुनना यानी कि सूक्ष्म ध्वनियों को सुनना, ये सब उसके बहुत सारे विभाग हैं। जिस इवन हाथ से टच करके भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है, जिसको हम साइकोमेट्री कहते हैं। तो अब ये साइकोमेट्री जो है ये पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों में इस्तेमाल तो होता है, लेकिन बड़े साइलेंटली, बड़ा छुप कर, क्योंकि ये सीक्रेट जानने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए मैं आपको एक किताब बताने जा रहा हूँ, इस किताब का नाम है साइकिक डिटेक्टिव और नीचे लिखा हुआ है द मिस्टीरियस यूज ऑफ पैरानॉर्मल फिनोमेना इन सॉल्विंग ट्रू क्राइम्स। तो भाई ये लोग जो है इसका नाम देखिए ना साइकिक डिटेक्टिव, यानी कि ये साइकिक लोग होते हैं जो सूक्ष्म लेवल पे जाकर इनकी अंतर्दृष्टि जो है ये जान लेती है कि कौन कहाँ पर है, कैसे है, कहाँ बैठा हुआ है या किसके बारे में क्या यूनिवर्सल जानकारी मिल सकती है। तो आज इसका CIA FBI जैसी संस्थाएं आज इसका उपयोग कर रही है और भारत में हमारी ही वैदिक परंपरा की ये विद्याएं हम लोग जो है आज उसको शक्ति दृष्टि से देख रहे हैं। आप वाचर अब महाभारत में जाते हैं, गीता में आप पढ़ते हैं कि संजय वाचर,
और उसने अपनी दिव्य दृष्टि से बोले पूरी महाभारत का वर्णन कर दिया। अब उसके तो बड़ा विश्वास करना पसंद करते हैं, और लेकिन जब एक आदमी किसी तरह की जब दिव्य दृष्टि का कोई प्रदर्शन कर रहा होता है तो आपको लगता नहीं 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 ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये क्या अजीब सी बात है भाई। अब नॉस्ट्रैडमस ने जो है उसने पूरा कई हजारों सालों का उसने प्रिडिक्शन कर दिया, और आज आप उसका मीडिया के अंदर उसका पूरा बार बार उल्लेख करते हैं, और उसके बाद जो है आप जो है इस इन चीज़ों पर जो है आज भारत के अंदर वाद विवाद हो रहा है। आज बाबा वांगा जिसने भी 3000 साल तक की जो है उसने भविष्यवाणियां कर दी, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सिक्स सेंस है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे आसपास भी सूक्ष्म संवेदनाओं को बड़ी आराम से पकड़ लेता है। देखिए हमारा शरीर के अंदर हमारी स्किन के अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि वो आसपास के कई वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। हमारी आंखें हमारा इनर जो सेंसर्स होते हैं वो कई तरह की ध्वनियों को सुन सकता है, कई तरह की ध्वनियों को जो है देख भी सकता है, फील भी कर सकता है। जनरली इसको वर्ल्ड वाइड क्लैरवॉयंस या क्लैरऑडियंस कहा जाता है। तो इस की शक्तियाँ सबके साथ रही है। आप जरा सोचिए कि मोहम्मद पैगंबर जैसे जो तो पढ़े लिखे भी उतरे नहीं थे, उसके बावजूद भी उनको पूरी कुरान उतरी के अंदर, वो तो कोई इतने जानकार थे नहीं, तो उसके बावजूद भी उनके अंदर वो ऊपर से कुरान उतरी, तो भाई आप उसके ऊपर पूरा मुसलमान वर्ग उसके ऊपर पता करता है कि हाँ जी ऊपर से उतरी होगी, तो फिर भाई आप विश्वास करते कि वाकई में हमारी चेतना एक ऑल्टर शिफ्ट ऑफ माइंड में यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ जुड़कर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। और यही इंफॉर्मेशन जो है आज बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राइटर्स, कवि, आपने कभी भी नोट किया होगा कि नॉर्मल संगीतकार जब संगीत का कुछ धुन वगैरह बनाते हैं तो कॉन्शियस माइंड से बहुत कोशिश करते हैं कि धुन बन जाए, लेकिन कई बार नहीं बनती और वो अचानक डीप ट्रांस में चले जाते हैं और फिर वो अचानक धुन उनके माइंड में खुद उठती है और वो धुन बन जाती है। इसीलिए आज हमारे जितने भी हिंदी गाने हैं वो आज आप 50 साल या 100 साल के बाद भी क्या हजारों साल तक सुनते रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये कान में चाहे लाखों बार जाए हमें बोरियत नहीं होती। क्यों? छुपी बहुत आए। इसी तरह कई चित्रकारों ने ये महसूस किया कि उनका चित्र उन्होंने नहीं बनाया, वो खुद हैरान होते हैं कि ये चित्र मैंने बनाया क्या, ये कैसे बन गया, कहाँ से आया, बोले सब ये। अब देखिए मैं खुद मैंने एक मेरी जो किताबें लिखी है मिल्क साइलेंट किलर अनादरों कारक है, तो कई बार मैं ना खुद अपनी किताबों पे हैरान होता हूँ, यार ये किताबें मैंने लिखी है क्या, ये मेरे आइंट आया है क्या। जी जी जी। अरे क्या होता है कि एवरीथिंग कम फ्रॉम दो ऊपर से जो यूनिवर्स से जो गाइडेंस मिलती है ना, और आप लिखते चले जाते हो, आप कविताएं बनाते चले जाते हो, और तो आपको आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि देर इज सम यूनिवर्सल विजडम इज लाइंग इन द यूनिवर्स, जिसमें आप एक ऑपोजिट ऑफ माइंड में जाकर कनेक्ट होते हो। तो यही जो बागेश्वर वाले जो बाबा जी हैं क्या कर रहे हैं, ये अपने गुरुओं से, अपने दादाओं से, अपने उन सब से जो है मुलाकात करते, यानी कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन करते, और वो कहते भी हैं कि मैं ऐसे जनरल चलते फिरते मैं ये काम नहीं कर सकता, जैसे मीडिया वाले कहते हैं अभी बता दो जी मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, वो ऐसे नहीं बता सकते। वो उनकी पर्टिकुलर जो एनर्जी फील्ड होती है जब वो जाकर वहाँ पर वो एक प्रिपरेशन करके जब बैठते हैं, तो सचमुच में फिर वो अपने उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके वो गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं जो आज वो लोग उस पर चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। पहले देखिए भारत के अंदर मैंने स्वयं अपनी आंखों से वल्लभगढ़ दिल्ली के पास फरीदाबाद के पास एक वल्लभगढ़ गांव है जहाँ पर जवां गांव है, उस गांव के अंदर बांसवाड़ा से एक महंत बद्री प्रसाद जी आते थे जो कि साइकिक सर्जन कहलाते हैं। तो वो मेरे सामने वो अपने गुरु के आत्मा के साथ कम्युनिकेशन करते थे और 5 मिनट तक उनकी बॉडी बड़ी काँप काँप के स्टिप हो जाती थी, उसके बाद जब वो लौट के आते थे फिर वो उनका जो नम्र स्वभाव जो था वो सारा स्वभाव एकदम विपरीत होकर उग्र हो जाता है और उसके बाद उसकी आंखें लाल हो जाती है और फिर जो मरीज सामने आता जाता है वो उसका ऑपरेशन करके 1 मिनट के अंदर उसमें से जो गांठें निकालनी है, स्टोन निकालना है, उस सब मेरे आंखों के सामने मैंने कम से कम 300 ऑपरेशन मैंने वहां जाकर देखे हैं अपने 30-30 मास्टरों के ग्रुप के साथ जाकर। अब मैं अपनी देखा हुआ कैसे मैं नकार सकता हूँ इस तरह से। क्या होता है कि सटल लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर आज हमारी चेतना, ब्रह्म चेतना जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं,
ये भारत के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इसमें डिक्लेयर कर दिया था। तो आज उस विद्या के ऊपर जो है हम लोग शक किए जा रहे हैं और उसके ऊपर इतनी चर्चा किए जा रहे हैं। गलती तुम्हारी है ना भाई कि ये विद्याएं आज हमारे एजुकेशनल सिस्टम में होनी चाहिए थी। जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है उस तरह सूक्ष्म विज्ञान भी पढ़ाना चाहिए था। ये तो शुक्र करो कि क्वांटम फिजिक्स के नाम से अब एक सूक्ष्म ऊर्जाओं का विज्ञान दुनिया के सामने आ गया है। अब थोड़ा थोड़ा लोग जो है उसके ऊपर अब भरोसा करने लगे, क्योंकि आइंस्टीन ने भी इसी प्रकार की बात की, निकोला टेस्ला प्रकार की बात की। तो दुनिया में अब देखो कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, वो सब एक ही बात कहते हैं कि अब आइंस्टीन जैसा व्यक्ति क्या कहता है, मैं इंट्यूशन इज अ विल। वो कहते हैं हमारा माइंड बड़ा स्थित है। वो कहते हैं कि इंट्यूशन मीन्स यूनिवर्सल माइंड। वो कहते हैं कि वो इन्फिनिट है। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। बिल गेट्स जैसा व्यापारी भी कहता है आई ऑलवेज लिसन टू माई इंट्यूशन। अब जाके मैं अभी इसमें मैं इसमें देखिए उनके जो उल्लेख है अपने गूगल्स के अंदर, मैं वही आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये लोग क्या क्या कहते हैं, चाहे ओपरा विंफ्रा हो के और दीपक चोपड़ा हो, सब लोग जो भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए ना, उन्होंने इंट्यूशन को प्रधानता दी है। इंट्यूशन हर आदमी में कॉमन होता है, देखिए ना। अब कॉमन लोग सब कहते हैं कि देखिए जी ये घटना घटने वाली है, ये मर जाएगा, ऐसा मुझे फील आ रहा है, इसकी ज्यादा नहीं है, यानी तो ये घटना इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा मुझे अंदर से पता नहीं क्यों फील आ रहा है, पूर्वाभास। तो ये पूर्वाभास जो होता था कॉमनली आपने देखा हमारे घर की महिलाओं में, हमारे जान पहचान के लोगों में कोई ऐसी बातें कर रहा होता है। इंट्यूशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, ये कोई चर्चा, ये अब कोई आदमी इसका अच्छा उपयोग करता है और कोई आदमी इसका अच्छा उपयोग नहीं करता। तो हमारे जो देवेंद्र शास्त्री जी है, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हनुमान जी को अपना सिद्ध बनाया। सिद्ध बनाने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी शक्ति को सरेंडर करते हो, चाहे वो देखिए कौन सा भगवान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीसस क्राइस्ट को ले लो, पैगंबर को ले लो, या आप साईं बाबा को ले लो, या आप दुर्गा को ले लो, हनुमान को ले लो, या अफ्रीका के और कोई बाबा को ले लो, चाइनीज बाबा को ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल जो बात है वो यू हैव टू सरेंडर कम्प्लीटली एंड बिलीव हिम। तो उसके कारण क्या होता है कि जब हम श्रद्धा से उस एक पर्टिकुलर देवता या देवी या इष्ट देव पे अपने आप को जब समर्पित करते हैं, तो उससे क्या होता है, और उसके बाद कोई मंत्र साधना करते हैं। देखिए मंत्र साधना से क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अपने बॉडी में क्रिएट करते हो जो नॉर्मल लोगों से हटके क्रिएट करते हो। अब जब भी कोई ध्वनि की तरंग अपने शरीर में पैदा करोगे, चाहे अनुया बोलो कि आप, चाहे अल्लाह अकबर बोलो कि चाहे आप ओम नमः शिवाय बोलो, आपकी मर्जी होती है। तो वो कोई भी मंत्र जाप से क्या होता है, आपकी बॉडी की जो इनर सेंसिटिविटी है, सुपर सेंसिटिविटी, वो जो वो सब धीरे धीरे उससे वाइब्रेट होकर ध्वनि से वो सक्रिय होने लगती है और आसपास की नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन को पकड़ने लग जाती है। तो ये कॉमन फिनोमिना है और ये कोई आज से भारत में इस्तेमाल हुआ ऐसा भी नहीं है, सदियों से लोग जो है इसका इस्तेमाल करते रहे हैं और आज जी साहब टफ की दृष्टि से देख रहे हैं। सबसे पहले जो लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है डॉक्टर साहब, ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, आम आदमी में एक कंफ्यूजन है सही और गलत की। दूसरा, मीडिया जो है, इंडिया की मीडिया है, खासकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा कर रही है, उस कंफ्यूजन को और बढ़ा रही है। मुझे ये लगता है, मेरा और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मुझे ये लगता है कि इसके पीछे हमने अपनी अज्ञानता को ही अपनी महानता बना ली, अपनी अज्ञानता को अपनी महानता बना ली है। भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है, भारत की सभ्यता और संस्कृति का आधार रहा है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म। और हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों मुनियों ने मानव शरीर के सूक्ष्म शक्तियों पर भी उतना ही काम किया है, मानव को सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं माना, मानव को एक शक्तियों का खजाना मानकर जो, और उसकी सूक्ष्म शक्तियों पर भी काम किया है। दुर्भाग्य से मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। एक षड्यंत्र के तहत हमारे आध्यात्मिकता को, हमारे पूरे भारतीय संस्कृति को शिक्षा से निकाल दिया गया। और अभी उसी मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ के जो एक पूरा वर्ग तैयार हुआ है, कई पीढ़ी तैयार हुई है, जो 1835 से मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, तो उसे पूरी पीढ़ी तैयार हुई है जिसको अपनी
सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ मालूम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मालूम ना होने के साथ ही वो तो एक अलग बात है, अपने इंडिक चीजों का, इंडिजिनस चीजों का मजाक उड़ाना, उनको नकारना और उनका मजाक उड़ाना प्रोग्रेसिव होने की एक निशानी मान ली गई कि हम प्रोग्रेसिव हैं। इसलिए जितनी भी भारतीय चीजें हैं उनका मजाक उड़ाओ, चाहे हमारे सभ्यता संस्कृति से, उनको समझो ना, उनकी गहराई में ना जाओ, उनकी गंभीरता को ना समझो। और तीसरी एक और बात इसमें यह है डॉक्टर साहब कि कुछ लोग जो मीडिया जो भारत को हमेशा पश्चिमी मीडिया जो साफ सपेरों का देश कहता रहा है, तो अभी भी भारत को उसी नजरिए से देखने की कि जो भी कुछ निकले दो ये तो साफ सपेरों का देश है, ये लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। और एक बहुत गहरे विज्ञान को एक अंधविश्वास का रूप दे देना, ये कहां तक उचित है? आप इसका कारण क्या मानते हैं कि क्या ये लोगों में, आम आदमी में ये अंधविश्वास क्यों फैला? देखिए, ये अंधविश्वास है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की सबसे मूल्यवान चीजों को अंधविश्वास माने, इससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं है। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए रवि, मैं इस सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान में 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये अनुभव किया कि ये जितनी सूक्ष्म विद्याएं आज जो मैं रेखी हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, ये हर अनपढ़ पढ़ लिखे पढ़े लिखे में होती है, ठीक है ना। इसी तरह टेलीपैथी हर आदमी के अंदर होती है, इंट्यूशन हर आदमी में होता है, अंतर्दृष्टि हर आदमी में होती है, सबकॉन्शियस हर आदमी में होता है, आरा चक्र कुंडलिनी और पूर्व जन्म में जाने की, पूर्व जन्म भविष्य में टाइम ट्रैवल करने की क्षमता हर आदमी में होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जब रिकॉग्निशन की तो हम आज उसको वैज्ञानिक आधार देकर लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पर हो गई कि मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जो रेखी 5,000 साल पहले हमारे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में जो लिख दी गई थी, वो स्पर्श चिकित्सा के नाम से वो 5,000 साल हो गए और हमारे सामान्य लोगों तक ये पहुंच नहीं पाई। तो मुझे क्या लगता है कि जो इसकी जो मीडिएटर आया ना, उन लोगों ने अपना अहंकार को बताने के लिए या अपना लालच मेंटेन करने के लिए या नहीं तो लोगों से बचाकर मैं सिद्ध हूँ या आई एम स्पेशल समथिंग, ये शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, ये मैंने तपस्याओं से प्राप्त की है, ऐसे कुछ भी कारणों से ये विद्याएं आज सामान्य जन तक पहुंच नहीं पाई। और आप जरा सोचिए कि आज भारत के अंदर भी अभी तक भी पूर्व जन्म विज्ञान को लेकर या इंट्यूशन को लेकर या टेलीपैथी को लेकर या कोई पूर्व जन्म को लेकर कहीं पर भी क्या किसी यूनिवर्सिटी में क्या कहीं पर कोई रिसर्च हो रही है? जबकि पश्चिम में डॉक्टर साहब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी PRT एक मान्यता प्राप्त साइंस है और चिकित्सा विज्ञान में उसका उपयोग किया जाता है। और डॉक्टर सन्नी साटिन या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी इस पर संस्थागत रूप से काम किया है। और पश्चिम में एक मान्यता प्राप्त विज्ञान है जिसमें सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर। अरे भाई रवि, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर यान स्टीवेंसन के सारे आगे के जो उनके असिस्टेंट लोगों ने अभी संभाल रखा है, उन्होंने 2,800 डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखे हैं पास्ट लाइफ के ऊपर। हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में सुनते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं आत्मा न मरती है न ये होती है न हम बार बार जन्म लेते हैं न, उसके बावजूद भारत के लोग आज भी पूर्व जन्म को ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई सच है कि नहीं, पता नहीं क्या है ये चीज। मतलब हम गीता की भी पूजा कर रहे हैं और गीता की बातों को भी नहीं मान रहे हैं। नहीं मान, जहाँ कृष्ण अर्जुन को, जब अर्जुन विषाद में भरा था तो गीता में उन्हें बताते हैं कि तुम किसका शोक कर रहे हो, अभिमन्यु के मरने का शोक कर रहे हो, कभी पिछले जन्म ये देखो, अपना पिछला जन्म इसमें वो तुम्हारा पिता था। तो हम गीता को मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन गीता को पढ़ नहीं रहे हैं और गीता की बातों को मानने को तैयार नहीं, उसको अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन गीता की पूजा जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए क्या होता है कि ये सारे विज्ञान एजुकेशनल सिस्टम का न होने के कारण जो मीडिटर लोगों ने आकर इसको इतना रहस्यमय मिस्ट्री बना दिया। देखिए, जब तक कोई चीज जानकारी में नहीं आती ना, सब मिस्ट्री लग, एक जमाने में मतलब जब तक आदमी आसमान में नहीं उड़ा उसको लगता था कि भगवान नाम का कोई आदमी ऊपर आसमान में बादलों के ऊपर रहता है, ऐसा समझता था, या स्वर्ग नरक भी कोई ऊपर बादलों के उस पार है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारे सामने सत्य आता चला जाता है, सब कुछ क्लियर होता जाता है, एवरीथिंग इज ए साइंस। देखिए ना, जहाँ फिजिकल साइंसेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह जो भी जियोग्राफी, उसी तरह सटल साइंसेस भी है, सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान भी है, जिसको क्वांटम फिजिक्स, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं,
जो एक सर्टन फ्रिक्वेंसी में हम आकर हम आसपास की किसी भी फ्रिक्वेंसी के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी क्षमता है, मैं बता रहा हूँ। आप देखिए ना, अब आप तो भारत देश के लोग कालिदास को जानते हैं, एक कालिदास जो कि पढ़ा लिखा नहीं था और उसका काव्य वो कहाँ से उतर गया, वो कोई पढ़ा लिखा आदमी था जो उसको बड़ा काव्य लिख गया, तो कहीं कहीं से तो उसके भी ऊपर से तो आई थी वो चीज़ें। तो ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो भी देखिए वास्तविक अगर आप सच्चाई में जाकर देखोगे कि कोई वैज्ञानिक कभी भी अपना आविष्कार लॉजिकल माइंड से कभी नहीं कर पाया, और जो आदमी जितना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो जाता है ना वो कभी ज़्यादा आविष्कार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर लेप चढ़ जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाता है। और जितनी भी दुनिया में आपने आविष्कार हुआ आपने देखा होगा वो आउट ऑफ द फील्ड के लोग ज़्यादा थे जिन्होंने इस प्रकार की डिस्कवरीज की दुनिया में, वो आउट ऑफ द फील्ड लोग ज़्यादा थे। तो कारण क्या है, क्योंकि उनका माइंड ब्लॉक नहीं था और वो सडन एक ट्रांस स्टेट में जाकर अचानक उनको कई चीज़ें फ्लैश हो गई और वो जो है दुनिया के सामने ले आए। इस तरह से कि हमें मानना पड़ेगा कि इंट्यूशन जो वर्ड है अंतर प्रेरणा, ये यूनिवर्सल कम्युनिकेशन करने का एक बहुत अच्छा साधन है जो आज बागेश्वर बाबा जो है वो अपने गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं और उनसे बातचीत जो भी उनके कानों में आवाज़ आती होगी, क्योंकि इतना क्लियरली किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो डेफिनेटली कोई स्पिरिट गाइड्स या कोई उनके जो भी गुरु है उनके साथ जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक वो कानों में आवाज़ आ भी नहीं सकती इस तरह से, और वो पहले से ही लिख के रख देना उनका बगैर बताए हुए भी, ये बहुत बड़ी दूसरी बात है। देखिए ये कोई चमत्कार जैसा शब्द नहीं है, उन्होंने उस साइंस को समझ के उसका उस साधना को सिद्ध करके आज वो उसका उपयोग कर रहे हैं, बस ये सबसे बड़ी बात इसके लिए। और अच्छा वो कर भी रहे हैं तो कौन सा पब्लिक को लूट रहे हैं भाई, कौन सा पब्लिक को फ्रॉड कर रहे हैं, क्या किसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कि धर्म का नाश कर रहे हैं, कि लोगों को कोई दुख पहुंचा रहे हैं, कि कुछ भी यानी कि या भारत देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के पीछे पड़ गई और इतने तांत्रिक बाबा हमारे भारत के अंदर है जो मूठ मारने का नए कई तरह के दावे करते रहते हैं, न्यूज़पेपर में रोज आते रहते हैं उनके बारे में। जी उससे बड़ी बात है, आपने तो क्रिश्चियन लोगों को देखा होगा कि क्रिश्चियन लोग जो है इवांजेलिस्ट धर्म प्रचार के लिए, अपने धर्म प्रचार के लिए। देखिए आज मेरा ऐसा मानना है कि आज जितना मतलब जो आज बागेश्वर बाबा जो काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कम से कम वो 100% मानवता के क्या कहते हैं कि बेनिफिट के लिए ही है, लेकिन ये जो 90% जो भारत की जो ज्योतिष है जिन्होंने ज्योतिष जैसे श्रेष्ठतम विज्ञान को आज आतंकवाद विज्ञान बना के रखा है ये ज़्यादा दुनिया को नुकसान कर रही है, हमारे ज्योतिष को ना बदनाम कर रहे हैं, और हमारे जो तांत्रिक भी होंगे भारत के अंदर इसमें 10-20% बहुत अच्छे तांत्रिक भी होंगे रियल यानी कि, लेकिन बाकी तो सब के सब इस साइंस विज्ञान को बदनाम कर रहे हैं। अब इन 90% नालायक लोगों के चक्कर में हम ये 10% जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं हम इनको इनके बारे में इस प्रकार की बातें करने का क्या सेंस है। और एक बात समझिए, देखिए क्या होता है कि आज मीडिया, आज कोई भी सामान्य बड़े से बड़ा नेता भी आदमी भी आज जो शक्ति आज दिव्य शक्ति जो कहते हैं ये इनके पास है। देखिए दिव्य शक्ति मीन्स समथिंग हिडन, समथिंग डिवाइन विच इज इनविजिबल, तो उसको कहते हैं दिव्य शक्ति। और क्या है, अब आप नाम बड़े बड़े दे दो अलग बात है, तो आज वो एक सूक्ष्म जगत में कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली करता होगा, तभी तो उसको जानकारी मिलती है। आज वो अगर वो क्षमता प्राप्त करके अगर आप उसका लाभ उठा के अगर दुनिया को गाइड कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुलझा रहा है, तो भाई तुम्हें उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है आपने बहुत अच्छे साइंटिफिक तरीके से इस अंधविश्वास की बातों को और आरोपों को बड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया आपने। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो भी कर रहे हैं उन्होंने मीडिया को भी चुनौती दी है, उनको वैसे लोगों को भी चुनौती दी है, पूना की मुंबई की कोई संस्था है अंधविश्वास निवारण वाली कोई संस्था है, अच्छा कमाल के उनको भी सबको चुनौती दी है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप मेरे पास आओ मैं आने जाने का किराया भी दूंगा। अच्छा और उसके बाद भी मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल के भी कुछ पत्रकारों ने जाके स्वयं इसका परीक्षण किया है और उनके सारे
जो मानसिक शक्तियों को सही पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या है डॉक्टर साहब कि या कोई भी लोग, जो जितने भी लोग हैं, वो सच्चाई को जानने में, पूरी घटनाक्रम को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग, मीडिया या जो भी आरोप लगाने वाले लोग हैं, सच्चाई को जानने में उनकी उत्सुकता कम है, सत्य के उद्घाटन में उनकी उत्सुकता कम है, उनको विवाद पैदा करने में और किसी भी चीज को विवादास्पद बनाने में उनकी उत्सुकता ज्यादा है इस मानसिकता से, ताकि गर्मा गर्म डिबेट हो और इस पर हंगामा हो, टीआरपी बढ़े और कुछ लोगों को माइलेज मिले, जैसे अंधश्रद्धा उन्मूलन वाले लोग हैं, ये कभी किसी उस इवांजेलिस्ट के पास नहीं जाते जिनकी सभा में धर्म प्रचार के लिए भूत भगाने का काम होता रहता है, औरतें बहुत सिर आगे पीछे कर करके जो बहुत गिर रही होती हैं, जो तड़प रही होती हैं, वो दृश्य टीवी पर चारों तरफ लोग देखते हैं, तो ये कभी अंध निवारण वाले कभी उनके पास नहीं जाते कि आप ये क्या कर रहे हो, ये कैसे भूत भगा रहे हो, वो भी लोग स्पिरिट पर ही काम कर रहे हैं। तो ये कुछ बायसनेस है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये बायसनेस है और अज्ञानता भी है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये खास करके जो क्रिश्चियन लोगों में भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं, ये मुसलमानों में भी करते हैं और हिंदू लोग भी काफ़ी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात हर आदमी की क्या समझनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ संसार में भौतिक लेवल पर होती है तो उसका सूक्ष्म स्तर भी जरूर होता है। तभी तो गीता में कृष्ण ने बहुत साफ कहा है कि भाई, आत्मा न मरती है न जन्मती है, वो खाली शरीर से यात्रा करती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, शंकराचार्य भी कहते हैं। तो जो भी हमारे बड़े बड़े साधु संत हुए, उन्होंने इस बात को माना है कि जहाँ भौतिक जगत है वहाँ सूक्ष्म जगत भी है। तो अब सूक्ष्म जगत में अगर कोई आदमी मरता है तो अपनी चेतना तो कहीं तो जाती होगी, और जब पैदा होता है तो कहीं से तो चेतना आती होगी। और मैं तो पूर्व जन्म में काम करता हूँ, और मैं तीन तीन जन्मों में लोगों को लेकर जाता हूँ, और उसमें वो देखते हैं कि हर जन्म में वो अलग 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 रूप में जो है पैदा हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम एक यात्रा पे, सोल जर्नी पे लगे हुए हैं। तो अब जब तक वो पैदा नहीं होते तो डेफिनेटली वो स्पिरिट के रूप में, एनर्जी के रूप में कहीं ना कहीं तो ब्रह्मांड में मौजूद है ना भाई, वहां से ऐसे तो अचानक कोई टपक नहीं पड़ते कहीं पर भी। अच्छा, अब जहां तक ये जितने भी मैंने ये जो पादरी और ये जो मौलवी और ये जो हिंदू धर्म में मैंने जो, अब जैसे इवन बागेश्वर बाबा के यहाँ पर भी मैंने वहां देखा है कि वहां पे काफी लोग उछल कूद कर रहे होते हैं, और खास करके 95% तो महिलाएं होती है। मेरा ये मानना है, और इसके बारे में बहुत लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने भी काम किया है, और के हमारे भारतीय महिलाएं और खास करके जो थोड़ी सा शरीफ नेचर की होती है और जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती और वो अपने इमोशन को रिलीज नहीं कर पाती है, तो हमारे समाज के अंदर जो उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन होते हैं, उनके इमोशन को दबाया जाता है, उनकी महत्वाकांक्षा को दबाया जाता है, और तो वो जो अंदर दबा हुआ जो इमोशंस होता है ना, तो जब वो इस तरह के सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर जब उनको छेड़ दिया जाता है और उनको उकसाया जाता है, तो फिर उनके अंदर का जो भाव है, जो दबा हुआ, उखड़ के बाहर आ जाता है। देखिए, इस बात को हमारे भारत के ओशो रजनीश ने बहुत गहराई से समझकर, ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी कि महात्मा, दुनिया का अकेला ऐसे महात्मा है ओशो, कि जिन्होंने सक्रिय ध्यान यानी कि डायनामिक मेडिटेशन का उन्होंने जो है रचना की, और उन्होंने कहा कि आप दुनिया को कितना भी ध्यान दरवा दो, जब तक उनके अंदर के ये सप्रेस इमोशंस और ये सारे जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर ये नहीं निकलेंगे ना, तो तुम चाहे जिंदगी भर ध्यान करते रहो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अगर मानवता को अहिंसा पे लेके जाना है, प्रेम और करुणा में लेके जाना है, तो कहते हैं इसके अंदर के अंदर जो दबे हुए भाव है वो पहले बाहर निकालो। तो आज अगर आप ओशो भी किसी भी केंद्र में जाओगे, या जब भी वो थे उसने लोग जाके थे, तो उनके भी लोग ठीक इसी तरह लोट पोट होते थे, चिपते थे, चिल्लाते थे, कपड़े फाड़ते थे, मतलब नंगे हो जाते थे। और तब भी डॉक्टर साहब, ये इंडिया और वेस्टर्न मीडिया ने इसी के कारण ओशो को विवादित किया, ओशो के कार्य के प्रति विवाद पैदा किया इसी कारण से। हाँ, देखिए, क्योंकि हमारी अज्ञानता को हम अपनी शक्ति मान लेते हैं। यहाँ
कहीं भी ये भावना ये है कि मैं कुछ पढ़ूं नहीं, मैं कुछ जानूं नहीं, और मैं जो जानता नहीं हूं उसको मैं मानूंगा भी नहीं। बिल्कुल, देखिए कल टीवी मीडिया में एक मिस्टर अक्षय कुमार करके कोई आए थे, अक्षय गौतम पता नहीं कुछ नाम था उनका, मेंटलिस्ट थे। उसको मीडिया ने बहुत उकसाया कि वो बाबा के बारे में कुछ गलत कह दे, लेकिन उसने साफ कहा, देखो भाई साहब मैं अपना काम अच्छी तरह कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, जब मैं उनके बारे में जानता तक नहीं, मैं उनसे कभी मिला तक नहीं, मैं उसके साइंस को भी जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं और क्यों इससे हो जाता है, तो भाई हाउ आई एम अथराइज्ड टेल अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कैसे निर्णय करके मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ, ये तो बड़ी अनसाइंटिफिक आदत हो जाएगी लोगों की। इसीलिए मेरा मानना क्या होता है कि इफ यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर फिनोमिना, आप उस साइंस को जानते ही नहीं है, तो बैठे बैठाए घर में यूट्यूब सुन सुन के, ये लोगों की बातें सुन सुन के, मीडिया की बातें सुन सुन के, हम लोग जो है हम एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के रास्ते में हम बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उससे क्या समाज का भला नहीं हो रहा है कि जिसके कारण हम उसके पीछे लटके में जा रहे थे। और उसके देखिए लोगों में इतनी तो अकल होनी चाहिए कि उसकी शक्ल देखकर, वो आज 30 साल का युवा लड़का है, उसकी शक्ल देखकर भी समझ सकते हो कि आज वो इस तरह का कोई ढोंगी आदमी नहीं है, वो पाखंडी नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है अपने आप में, जो लोगों का कल्याण के लिए काम कर रहा है। गरीबी देखी है उसने, इसलिए आज वो गरीबों का भला करने की कोशिश कर रहा है और हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज अगर ये इस बागेश्वर बाबा को अगर ये शक्तियाँ मिली है, ऐसा समझा कि इस जन्म से मिली है। देखिए जब तक पूर्वजन्म के हमारे संस्कार नहीं होते ना, हम चाहे कितने आध्यात्मिक वातावरण आपके सामने पैदा कर दें, आप उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए ही इज ऑलरेडी अर्निंग हिज ऑल, जो भी उसके ज्ञान है वो अपने साथ कई जन्मों से लेते हुए आ रहा है, इस जन्म में वो फलित हो रहा है, उसका लाभ उठा रहा है। तो भाई चलने दो, हर आदमी की सोल जर्नी को अपनी यात्रा करने दो, तुम बेकार में टांग अड़ाकर अपनी विवेचना मत करो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पूरे विवाद में मेंटलिस्ट भी कूद पड़े हैं, और मीडिया ने कुछ मेंटलिस्ट को कैमरे पर लाकर उनसे वक्तव्य दिलाना शुरू किया है। और मेंटलिस्ट में भी अब जैसे हर विद्या में अलग अलग स्तर के लोग होते हैं, कुछ बहुत गहराई में उतरे होते हैं और बहुत कोई छिछले स्तर पे ही घूम रहे होते हैं। तो कुछ छिछले स्तर वालों को लाके उनसे कमेंट कराया जा रहा है। जैसे आपने एक मेंटलिस्ट की बात की कि उन्होंने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया, हालांकि मीडिया ने बहुत उकसाया, लेकिन क्योंकि वो अपने उस विद्या के गहराई में उतरे हुए हैं और वो सत्य को जान गए हैं। लेकिन कुछ छिछले स्तर के लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ के अल्प ज्ञान में तरह तरह की बातें किए जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये मेंटलिस्ट का काम कर रहे हैं वीरेंद्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम के बाबा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि मेंटलिस्ट का काम और बागेश्वर धाम वाले जो बाबा कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, आम आदमी कैसे समझे? देखिए मेंटल, जो भी मेंटलिस्ट टीवी पे आता है ना, वो बहुत स्पष्ट कहता है कि भाई कोई चमत्कार नहीं है, मैं ये बेसिकली एक साइंस है, एक ट्रिक है, कुछ तो हम इसमें ट्रिक का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसमें हम साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, और ये कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंदर जो है मतलब इस साइंस को समझकर उसमें अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो मेंटलिस्ट जो होते हैं ना, ये हमेशा एक ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर और हमारे हाव भाव इन सब चीज़ों से काफ़ी वो काम कर रहे होते हैं, और कुछ ट्रिक का भी इसमें काफ़ी अच्छा उपयोग कर लेते हैं लोग। उसके कारण मेंटलिस्ट का एक अपना अलग स्तर है काम करने का। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्या समझना मालूम है, सूक्ष्म शक्तियाँ यानी कि जिसको हम सटल पावर्स कहते हैं, जो हर आदमी के अंदर नेचुरली गिफ्टेड है, वो सर्टन व्यक्ति उस कुछ लोग उसको जागृत कर देते हैं, कुछ ध्यान करके जागृत करते हैं, कोई मंत्र साधना करके जागृत करते हैं, कोई रेखी कर करके जागृत कर देते हैं। तो ये हर आदमी के अपने अपने रास्ते होते हैं, कोई योगा प्राणायाम कर करके अपने अंदर क्षमताओं को जागृत कर देते हैं। ये जो सूक्ष्म अतीन्द्रिय जो क्षमताएं हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, अंतरदृष्टि कहते हैं, टेलीपैथी कहते हैं, ये सब कॉमनली जो है ये कॉमन नहीं है, मतलब क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज, जो मेंटल एक्सरसाइज या ब्रेन एक्सरसाइज या साधना जो भी हम कहें, उसका एक बाय प्रोडक्ट है। इसलिए मेंटलिस्ट एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया है, और जो कि एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए काम करता है।
और अपनी अर्निंग सोर्स को बना के रखता है। लेकिन ये जो है इसको हम सिद्धियां कह सकते हैं। सिद्धि का मतलब है आप एक पर्टिकुलर चीज का आपने मास्टर कर लिया बाय सर्टन एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिस। तो इसीलिए आज जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो जो इस प्रकार के जो गाइडेंस कर रहे हैं वो उनकी अपनी सूक्ष्म शक्तियां हैं या दिव्य शक्तियां हैं जो हर व्यक्ति जो है अपने अंदर भी विकसित कर सकता है। अब देखिए मैं अभी एक इसी ये वीडियो के बाद में मैं एक और वीडियो लोगों को मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ कि जिसमें मैंने अपने बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल इस तरह के प्रयोग करवाए हैं। आप देखोगे कि उस वीडियो में हमारे एक 8-10 बच्चे बैठे हुए हैं और सबके बच्चों पर आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है, ठीक है, और हम बच्चों को एक एक कार्ड देते हैं और सब बच्चों को कहते हैं कि आप वो दूर बैठा हुआ है, तुम इधर बैठे हुए हो। और अब देखो वो पहले नंबर का लड़का एक दूसरे नंबर के लड़के को बोलता है देखो मैंने हाथ में कौन सा कार्ड पकड़ा है। आप हैरान हो जाओगे वो आंखों से बिल्कुल बंद है लेकिन वो उस कार्ड को अच्छी तरह से पहचान कर उसका नाम बोल देता है। और ये एक बच्चा बोलता नहीं है, ऐसे 10 बच्चे बोल रहे होते हैं। एक तो बोले चलो भाई आपने ट्रेन कर दिया, मान लो आप डाउट करने के 500 रास्ते होते हैं। ये परामानसिक शक्तियों का प्रदर्शन। हाँ, तो ये परामानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन में क्यों कर रहा हूँ? अरे जब हमारे ये बच्चों में ये पैदाइशी होती है भाई, अब ये तुम लोग बाद में उसका विकास ही नहीं करते। और हमने तो इन बच्चों के अंदर ये क्षमताएं प्रदर्शित करके ये बता दिया कि अगर तुम आगे आगे और इसमें डेवलप करना चाहो तो आपकी मर्जी है, पर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना वो इन चीजों के ऊपर या माँ बाप भी जो है इन चीजों पे बच्चों को ज्यादा जाने नहीं देते क्योंकि उनको लगता है इसमें जाकर कौन सा पैसा कमा लेगा और ये ऐसा प्राप्त करके आंखों की पट्टी बांध के ऐसा देख लेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे किसी का इंट्यूशन भी आ गया तो इसको क्या फर्क पड़ जाएगा। तो हम हमारे अभी भी भारत में जो है ना सूक्ष्म जो अतिंद्रिय क्षमताएं है ना उनको हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं देखते हैं और उसको कहीं ना कहीं जाके खुद ही रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है और मेरे सारे खास करके हमारे मोदी जी, योगी जी और ये सब जितने भी लोग आए हैं इस बार हमारे भारत के अंदर, कम से कम इन विद्याओं का भारत में तो उत्थान हो भाई। और ये जितने संत महात्मा साधुगण अगर मेरा कोई वीडियो सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज सतगुरु है, रविशंकर जी है, आज कई तरह के बाबा रामदेव जी बैठे हुए, सब बड़े बड़े संत महात्मा भारत में बैठे हुए हैं, अरे भाई हमारी भारतीय विद्याओं को लाओ ना समाज के सामने, वैज्ञानिक आधार देखिए लाओ ना, जो चाहे कल कोई ये ना कह सके कि ये ये पाखंड है, ये कोई भारत में क्यों ये शब्द। तो हमारी भारतीय वैदिक परंपराओं को आज हम आज तक 5000 सालों में हम उसको पोषित नहीं कर पाए, हम उनको डेवलप नहीं कर पाए, ये बड़ी विडंबना और शर्मनाक बातें बता रहा हूँ मैं आपकी। जी डॉक्टर साहब, अभी थोड़े दिन पहले बाबा रामदेव जी ने भी उनको जाके उनका उत्साह वर्धन किया था, बागेश्वर वाले बाबा के यहाँ पहुंच के उनके आश्रम में जाके उनका उत्साह वर्धन किया था बाबा रामदेव जी ने, जो कि एक सकारात्मक पहलू है। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, आपने बड़ा ही वैज्ञानिक आधार पर विवेचना की सारी बातों का, और आपने सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत की जो मानसिकता है, भारतीय मीडिया की जो मानसिकता है कि जब तक पश्चिम की जगत से उसका सर्टिफिकेशन ना हो जाए तब तक हम सही नहीं मानते, योग जब तक पश्चिम जगत योगा कह के स्वीकार ना कर ले तब तक भारत को, भारतीय लोगों को बड़ा बड़ी बात नहीं लगती है, और जब योगा कह के मान लेता है तो भारतीय लोगों को बड़ी बात लगती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मास लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हमारे यहाँ 5000 साल से ज्यादा से चल रही है, और पास्ट लाइफ के माध्यम से रेकी हीलिंग फाउंडेशन ने भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके नेतृत्व में आपने हजारों लोगों पर पूर्व जन्म के प्रयोग किए हैं और उनको तरह तरह की मानसिक परेशानियों से और शारीरिक बीमारियों से मुक्त किया है आपने। लेकिन जब तक पश्चिम की जगत ने इसको PRT पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कह के इसको मान्यता सर्टिफाई नहीं किया तब तक स्वीकृति नहीं मिली, और अभी भी बहुत कम स्वीकृति। इसी संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि वैज्ञानिक आधार पर एक आम आदमी, एक विज्ञान के छात्र के रूप में एक आम आदमी, अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यकलापों को समझने की कोशिश करें वैज्ञानिक दृष्टि से, तो बहुत सटीक वैज्ञानिकता के आधार पर आप कैसे इसको समझाएंगे आम आदमी को, एकदम विज्ञान की भाषा। देखिए, इस संसार में हर आदमी को समझना चाहिए कि वी आर ऑल्सो एनर्जी, हम एक्चुअली तरंगों के जोड़ है और तो हम कुछ है नहीं, और पूरा ब्रह्मांड भी जो है वो भी तरंगों का जाल है और तो कुछ है नहीं। और सबसे बड़े सिद्धांत क्या मालूम है, अगर आप किसी स्पेशल
फ्रिक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हैं तो आप ब्रह्मांड में उसी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट भी होते हैं, ये उसका एक सिंपल फिनोमिना है। तो उस कंडीशन में आज देखिए ये दोनों जगत की पहचान करनी पड़ेगी। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक साइंस को आज हमने इतना ईजाद किया और डिजिटल वर्ल्ड को हम आज प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जहाँ भौतिक जगत है वहाँ दिव्य और सूक्ष्म जगत भी तो है ना भाई, तुम उसको नकार कैसे सकते हो? और जहाँ शरीर में भौतिक शक्तियाँ हैं वहाँ पर सूक्ष्म शक्तियाँ भी है भाई, परामानसिक क्षमताएं भी है, चाह मानसिक क्षमताएं भी है। तो ये इसको जो है जब तक इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे और हम इसको विश्वास नहीं करेंगे, हम इसके तो हम इसके ऊपर रिसर्च भी नहीं करेंगे और ना हम समाज के सामने लेके आज आ पाएंगे। तो इसीलिए और आइंस्टीन ने भी तो डॉक्टर साहब कहा है कि इंट्यूशन इज द बिगेस्ट पावर, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन इज द बिगेस्ट पावर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दुनिया की जितनी भी साइंटिस्ट जो है ना, अगर किसी भी साइंस की गहराई में जाएंगे ना, उनको लगता है कि भौतिक जगत से परे भी हटकर कोई एक और सूक्ष्म जगत जरूर है जहाँ हम लोग बहुत कम कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसीलिए जहाँ इलेक्ट्रॉनिक साइंस है वहाँ पर यंत्र तंत्र मंत्र के नाम से भारत के अंदर जो है ये इन 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 चीज़ों का विकास हुआ कि तंत्र क्या होता है, तंत्र एक सिस्टम का नाम होता है, यंत्र एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी होती है और एक मंत्र यानी कि पर्टिकुलर वाइब्रेशन करने का साइंस है। तो आज आप भी करो ना भाई, और भारत में देखो ना आज मुसलमान भी साधना करके अपने इन क्षमताओं को जागृत करता है, हिंदू भी कई तरह के मंत्र जाप करके अपने क्षमताओं को जागृत करता है और क्रिश्चियन भी जो है वो भी जागृत करता है ऐसे। और दुनिया में कितने किक लोग हैं, आप जाइए गूगल में टाइप कीजिए चैनलिंग, मीडियमशिप, ऑटोमेटिक राइटिंग और कई तरह के आप जाके साइकिक्स आप देखोगे पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। तो ये लोग गलत है या चोर है या फ्रॉड है, ये आपका अंधापन है, आपकी अज्ञानता है जो आप इस विज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना क्या मालूम है, देखो भाई वैज्ञानिक धारणा उसको कहते हैं कि आपको अगर वो सब्जेक्ट नहीं मालूम ना तो आपको कहना भैया देखो मैं तो अभी इसकी गहराई में कभी गया नहीं, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता, आई विल वेट वॉच एंड देन आई विल कमेंट। तो आप लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं जैसे आप इस क्षेत्र के बड़े माहिर हैं और आप सालों से इसके अंदर बड़े काम कर रहे हैं, बड़े रिसर्च कर रहे हैं, इसके बोलने के ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे तुम्हारे से ज्यादा विज्ञान का होशियार बन जाएगी दुनिया में जी। चाहे मीडिया में सबसे जिन्होंने सबसे कम पढ़ा है, सबसे कम जाना है, वो सबसे भारी भारी कमेंट कर रहे हैं। हाँ तो देखिए मैं तो इस क्षेत्र का बोलने का अधिकारी मैं इसलिए मानता हूँ कि मैं आज 30 साल से सूक्ष्म परामिज्ञाओं पे मैं काम कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली मैंने साइंटिफिकली उनको प्रूव किया है। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे मैं वो सिद्ध कर सकता हूँ सब चीज़ों को, और मैंने तो प्रैक्टिकली करके यूट्यूब पे वीडियो डाल भी दिए हैं बहुत सारे। तो कहने का मतलब है कि ये क्वांटम फील्ड के अंदर हम लोग जो है हर चीज से हर अणु के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इंटेंशन से कहीं पर भी आप एक सेकंड में ट्रैवल कर जाते हैं, हम थॉट ट्रांसलेट कर सकते हैं। इतनी सारी क्षमताएं हमारे अंदर है कि हर आदमी को उसको सीखना चाहिए, और नहीं सीखने के कारण वो असहाय होकर दुनिया में जी रहा है और वो खाली फिजिकल मेंटल बस पावर को समझ के अपनी जिंदगी को खत्म करके चला जा रहा है, और इतना बड़ा 90% खजाना जो परमात्मा ने उसको दिया वो उसको चूक रहा है जी। डॉक्टर साहब अभी जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पर हम बात कर रहे हैं, तो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जो भी कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति सभ्यता और हमारी जो समृद्ध जो ऋषि परंपरा है उसके एक वाहक के रूप में मुझे लगता है कि आपको लगता है कि वो कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ऋषियों ने जो सूक्ष्म विज्ञान पर भारतीय वांग्मय में भी वैदिक वांग्मय से लेके आज तक भी ऋषियों ने बहुत सारा काम किया है सूक्ष्म विज्ञान पर, और मानव को सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं माना, मानव को एक आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना भी मान के हमारे ऋषियों ने काम किया है और अपनी खुद की शक्तियों को जागृत किया है, और ये संभव भी है जैसा आप अपने तरह तरह के उदाहरणों से बता रहे हैं। पश्चिम में भी नास्त्रडेमस के कई के एग्जाम्पल मिलते हैं, ये वावा वांगा जो आज बहुत न्यूज में है, और इन सब चीजों पर यही मीडिया उनको बहुत सकारात्मक तरीके से उछालती है। लेकिन बागेश्वर धाम की जहां तक बात आती है जो कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के तहत वो सारा काम कर रहे हैं और जिसके पीछे गहरा विज्ञान है जिसको आपने बहुत अच्छे से उद्घाटित भी किया, तो आम आदमी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे
आम आदमी के लिए इस पूरे विवाद में वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे, वो क्या माने इन सब चीजों को, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है। और एक मीडिया का रिपोर्ट सुन के आम आदमी अपना ओपिनियन बना लेता है, एक टीवी चैनल का एंकर कुछ भी बोलता है अपनी अज्ञानता में, वो जानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, उसको टीआरपी की चिंता है और वो कुछ भी बोलता है और आम आदमी उससे उसके बेस पर अपनी धारणा बना लेता है। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे आम आदमी के लिए, क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी मान्यता बनाए, क्या निर्णय करे? देखिए रवि, ये हर भारतीय कम से कम और सारे विश्व के लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सभ्यता में सूक्ष्म विज्ञान की गहराइयों में जितना भारत जा चुका है और उसके अंत तक पहुंचकर उसने तो डिक्लेयर तक कर दिया कि पूर्णमिदं पूर्णमेवावमुच्यते, यानी कि अब भारत में सच में कहा जाए ना तो सूक्ष्म विज्ञान में खोज करने को कुछ भी नहीं बचा। फिजिकल लेवल पे बहुत कुछ बचा होगा लेकिन सूक्ष्म विज्ञान में कुछ नहीं बचा। उन्होंने अणु अणु से लेकर आत्मा तक के और ब्रह्मांड तक के सारे रहस्य को उन्होंने खोद के निकाल दिया और हर एक का अच्छा अध्ययन करके हमारे सामने रख दिया। अब सवाल क्या होता है, जब एक आदमी शास्त्र लिखता है तो एवरेस्ट पे जाके लिखता है और वो कुंभक किताबें आ जाती है, वो सारा ज्ञान चौथी पांचवीं आठवीं दसवीं क्लास के हाथ में, और हर आदमी अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। कल टीवी मीडिया पे एक आचार्य जी कोई आए थे, वो क्या कहते हैं मालूम है, रामचंद्र मानस में जो जो कहते हैं ना कि सॉरी, उन्होंने कहा कि ये जो भूत के बारे में जो बता रहे थे, वो कहते हैं भूत तो पास्ट होता है जी, ये भूत ये थोड़ी होता है जी। इस तरह के मतलब आचार्य है, बड़े बड़े लोग हैं, नाम है उनके, और उसके बावजूद भी जो है वो ऐसी बातें करते हैं। इसलिए क्या होता है, ये लोअर एजुकेशन के लोगों के हाथों में जब वो विद्याएं आ जाती है ना तो बड़ी विकृत हो जाती है। तो भारत के अंदर इसकी बहुत विकृति हुई है। और एक और सबसे बड़ी बात जानने की क्या मालूम है, आज हम भारत की इसी ऋषि परंपरा को, आज इस तरह के जो हमारे संत साधु भारत में काम कर रहे हैं, अरे ये उन विद्याओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं और उस विद्याओं को समाज के कल्याण के लिए उपयोग कर रहे हैं भाई। तो ये कौन से उससे चमत्कार दिखा दिखा कर जो है तुमको किसी को उल्लू बनाए जा रहे हैं, बताओ मुझे। तो इस तरह से और साईं बाबा जैसे व्यक्ति ने इस जादूगरी करके आज अपना पूरे विश्व में नाम कर दिया। देखो वो तो जादूगरी थी, वो तो पीसी सरकार ने भी प्रूव कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात पहुँचाने के लिए अगर आपको कुछ फोन भी क्या बोलते हैं कुछ ऐसा करना भी पड़े टोट का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है, अरे भाई वो तो सिंसियर होकर साफ साफ बोलते हुए काम करता ना भाई, मैं तो मेरे इष्ट देव मुझे गाइड करते हैं भाई, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे करता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। वो इतना साफ कहता हूँ तो चमत्कार जैसे हमें काम करता ही नहीं हो, ये तो मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो ये उसकी जो श्रद्धा है और सरेंडरिंग है ना, देखिए ये किसी भी धर्म में होने दो, मैं केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हिंदू धर्म में इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा बहुत गहराई है और बहुत उपयोग किया गया है। और अगर इन विद्याओं को हमारे इस तरह के संत महात्मा आकर उनको सक्रिय करके उनको वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं ना, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनके ऊपर रिसर्च अनुसंधान करना चाहिए और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है वो भी दुनिया के सामने लाना चाहिए। देखिए जी, इस सूक्ष्म विज्ञान में आया तो मेरे सामने यही क्वेश्चन था, जब तक वैज्ञानिक आधार नहीं होगा मैं दुनिया के सामने लेकर नहीं आऊँगा। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैं इसका वैज्ञानिक आधार लाया। मैं लोगों को कहता हूँ पहले अनुभव करो फिर जानो और बाद में मानो, और ऐसा ही मैंने किया क्योंकि मैं खुद अंधविश्वास पाखंड का बड़ा दुश्मन हूँ। इसीलिए आज अगर मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इस विज्ञान को मैं जानता हूँ और वो और दुनिया को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो लेकिन हाँ, गलत कमेंट मत करो उनके बारे में, बस इतना कह सकता हूँ। कल भी डॉक्टर साहब मैंने मास मीडिया में देखा, टीवी पर देखा कि कुछ गेरुआ वस्त्र पहने कुछ लोग आए, साधु अपने को मानते होंगे वो, और उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने तो जोशी मठ का उदाहरण देना शुरू किया कि जोशी अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा के हाथ में चमत्कार है तो पहले क्यों नहीं है, जोशी मठ पूरा धस रहा है, वहां दरारें पड़ रही हैं तो उसको क्यों नहीं ठीक कर देते। और ये कोई और नहीं कह रहा था, एक गेरुआ वस्त्रधारी बाबा कह रहे थे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो जैसे आप
ने हमसे बात की इस विषय पर, आप खुलकर सामने आए और आपने इसको इसकी वैज्ञानिक विवेचना की। आप क्या मानते हैं कि भारत में जितने भी साधु संत हैं, जो जेन्युइन साधु संत हैं, जो वास्तविक साधु संत हैं, उनको धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसी चीजों के समर्थन में खुल के आगे आना चाहिए कि नहीं? आप क्या मानते हैं? जैसे आप खुलकर सामने आए और आपने आम आदमी की गलत धारणाओं का निवारण करने की कोशिश की, और वह भी वैज्ञानिक आधार पर, तो जो कि आप करते रहे हैं अपने 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 जो जहां तक मैं आपको जानता हूं पिछले 25-30 वर्षों से ज्यादा समय से, आप वैज्ञानिक आधार पर सूक्ष्म विज्ञान को प्रमोट करते हैं, एनर्जी साइंस को प्रमोट करते हैं और उससे मानव का कल्याण करते हैं, चाहे वो हीलिंग हो, बीमारियों से मुक्ति हो, मानसिक मुक्ति हो, बीमारियों से मुक्ति हो, तो ये सब के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो हमारे जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं उनको इन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरना चाहिए? देखो रवि, सबसे पहले बात तो ये जो हमारे ही हिंदू धर्म की ये जो संत, जो ये बाबा जो लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, तो भाई तुम भी तो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हो ना, तुमने कौन सा बात हमारे पर्यावरण का है, हमारे धरती का, हमारे इतने सालों से केमिकल खेतियां हो रही है, पूरा पर्यावरण में जो है ओजोन सारा बिगड़ता जा रहा है, इतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, भैया चलो नहीं किया बागेश्वर बाबा ने, कुछ नहीं किया। अरे तो बागेश्वर बाबा को अगर छोड़ दो तो भारत के अंदर कम से कम भाई 1,00,000 तो बाबा तो होंगे करीब करीब मान लो। आपने क्या किया? क्योंकि ऐसे जो बाबा है जो आध्यात्मिकता जानते नहीं है, कबीर ने उनके बारे में कहा कि मन न रंगाए रंगाए जो की कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जो की हो गई ले बकरा, जोगी हो गई ले लबरा। देखिए तो ऐसे ऐसे कबीर ने कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो कपड़ा रंगा के मन तो रंगा नहीं। भाई देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, अब बागेश्वर बाबा को छोड़ दो, आप इतने सारे साधु संत महात्मा हैं, बड़े बड़े नाम आप यूट्यूब पे सुनते रहते हो, इन लोगों ने भारत में कौन सी गरीबी हटा दी भाई, और कौन सी आज तक आप भारत को जो है क्या कहते हैं कि क्लीनलीनेस जो कहते हैं वो आपको लेकर नहीं आ, सफाई लेकर नहीं आ पाए, आप एक डिसिप्लिन लेकर नहीं आ पाए, अब लोगों के अंदर से लालच आ, सफाई के बाद नरेंद्र प्रधानमंत्री को लाल किले से कहनी पड़ी देश की आजादी के 75 साल के बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ा प्रधानमंत्री। शर्मनाक बात नहीं कि तुम इतने असाध की बात पर, इतने आध्यात्मिक लोग होकर तुमने कौन सा किसी देश या विश्व के लिए तुमने कौन सा कल्याण कर दिया भाई? तो इसलिए देखिए, मैं मेरा देखिए बागेश्वर बाबा से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं तो सिर्फ जो सच्चाई है मैं उसके पक्ष में खड़ा रहता हूँ। तो इसीलिए बागेश्वर बाबा जो है वो एक पर्सनल पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अगर कोई आदमी पर्सनल पावर के द्वारा अपने मसल्स अगर आके कहीं बताता है जिम्नेशियम में, तो बोलते हैं ये जिम्नेशियम डेवलप कर सकते, क्या फायदा, तुम जरा ये जोशी मठ को ठीक करके दिखा दो। ये नॉनसेंस कंपेरिजन है बता रहा हूँ मैं आप। बिल्कुल, जो पर्यावरण से जो गड़बड़ होती है, जो सालों से जो उस हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में जो नीचे से खुदाई वगैरह जो भी, देखिए मुझे कारण मैं भी नहीं जानता अच्छी तरह से, तो अगर वो हो रहा है तो उसके कारण तो मानव है ना भाई। अब ये चमत्कार कर दो चमत्कार कर दो, तो तूने क्यों नहीं किया भाई? तुम ये सारे, मैं कहता हूँ बागेश्वर बाबा को डाल दो कोने में, तुम लोग सारे के सारे साधु संत 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 कितने ना, सब मिल जाओ एक जगह पे और कर दो चमत्कार, जाओ भारत में कंडे निकालो, चलो मैं यूं कहता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, आध्यात्मिक जो रियल जो संत है ना, जो हमारे आध्यात्मिक परंपरा के रियल संत है, वो तो कभी विरोध में नहीं उतरेंगे इसके, वो तो सब समर्थन में है, क्योंकि वो इसकी सच्चाई जानते हैं। जैसे कि आप जैसे व्यक्ति गहराई में अगर इस विज्ञान के उतरा है तो इसकी सच्चाई को जानता है, तो कभी इसका विरोध कर ही नहीं सकता, कभी इसका मजाक उड़ा ही नहीं सकता। और हमारे अधिकांश साधु संत इसकी सच्चाई को जानते हैं और इसलिए उसके समर्थन में है। ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए कबीर ने कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ज्ञान कुछ है नहीं, कुछ साधना करते नहीं है, शारीरिक मानसिक शक्तियों पर कुछ काम किया नहीं, टीवी पर बाइट देने चले आते हैं बाजार पाने के लिए। तो हमें आम आदमी को क्या, ये डॉक्टर साहब आप नहीं मानते हैं कि आम आदमी को ऐसे जो अधकचरे लोग हैं उनसे बचना चाहिए, उनके ओपिनियन को अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए? भारत का जो पूरा आध्यात्मिक परंपरा है, वो पूरी आध्यात्मिक परंपरा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़ी लगती है, और धीरेन्द्र शास्त्री कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ। वो तो आपने भी जैसे इसकी विवेचना की कि उनको जो आध्यात्मिक शक्तियों से जो सीधे कनेक्शन के माध्यम से जो चीजें प्राप्त हो रही है वो प्रकट कर रहे हैं,
बस बस वो एक चैनल मात्र हैं, वो एक चैनल मात्र हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये चैनल तो आपने आप भी रेकी चैनल बनाते हैं, ये तो चैनल कोई भी बन सकता है अगर वो काम करना चाहे तो, अगर वो साधना करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे। साधना का अर्थ क्या है? प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करना चाहे, ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तो कोई भी बन सकता है। तो आम आदमी को क्या आप ये सलाह देंगे कि यह व्यर्थ की आलोचना से बचना चाहिए? और हिंदुत्व की जो सबसे कीमती चीज है, भारतीय संस्कृति की जो सबसे कीमती चीज है, उसको बदनाम नहीं होने देना चाहिए। देखिए, सबको अभी ये समय आ गया है कि ये हमारे जो इस तरह के जो सही काम करने वाले लोगों पर जो उंगलियां उठ रही है, तो कम से कम हमारे समाज को जागना चाहिए। और भारत एक विश्व रेखी विश्व गुरु के तरह आज उसको दुनिया में आना है। सब मोदी जी और हमारे सारे योगी सब कहते हैं, तो भाई भारत को विश्व गुरु बनाना है ना, तो ऐसी विद्याओं को रेस्पेक्ट करो और इन विद्याओं के ऊपर रिसर्च करो, इनको यूनिवर्सिटी लेवल पर लेकर आओ। और ये जो क्वांटम साइंस है, इसका पूरा अध्ययन करो। हमारे यहाँ पे भारत में ऑलरेडी हो चुका था, अब वापिस उसको पुनर्जीवित करो, मैं यूँ कहता हूँ। तब जाकर आपको लगेगा कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा फिर। और आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति अपना मसल डेवलप कर लेता है जिम में जाके एक्सरसाइज करके, और पूरा मिस्टर इंडिया बन के या मिस्टर यूनिवर्स बन के अपने मसल का प्रदर्शन कर रहा है, और उसको जाके हम उसके सामने ये कमेंट करें कि जरा जोशी मठ में जो पहाड़ धस रहे हैं, जो जमीन धस रही है, उसको जाके बचा लो। तो ये मूर्खतापूर्ण, ऐसे जो कंपैरिजन करना मूर्खतापूर्ण और ऐसे कमेंट करना, इससे क्या है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पहले दो बाइट मिल जाए मीडिया में, हम कुछ पॉपुलर बन जाएं, थोड़ा टीआरपी किसी चैनल का बढ़ जाए, और किसी बाबा को दो चार और चेले मिल जाए, लेकिन उस बाबा, वो बाबा हिंदुत्व का कोई भला नहीं कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का भला नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बाबाओं को ओछे कमेंट से बचना चाहिए, और धीरेन्द्र शास्त्री कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं ये मानना चाहिए। वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा के मात्र चैनल मात्र बने हुए। बिल्कुल 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 जी डॉक्टर साहब। तो नहीं, रवि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वास्तव में क्या कहते हैं कि ये बाबा लोग इस तरह के जो ये साधु महात्मा जो बातें करते हैं इनके विरोध में, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं डॉक्टर साहब, बहुत मुट्ठी भर हैं। की बार छोटे देखिए 10% लोगों ने थोड़ा इस प्रकार की गलत बातें की है, तो मुझे लगता है कि हम जैसे कहते हैं ना कि मूर्खों की अवहेलना करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, इसलिए हमें मुझे लगता है कि उनको ज्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा बात करने से वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। हाँ, बेटर है हमारा जो हीरा है हम उसी की चर्चा करें। जी, हीरा। और वो अपना स्तर शो कर रहे हैं, ऐसा बोलकर वेयर डू दे स्टैंड, ठीक है ना। इतनी ओछी बात करने की ताकत रखना, तो तुम्हारी कितने हद तक, तुम कौन से लेवल पे तुम जी रहे हो, तुम्हारी बुद्धि किस लेवल तक है, और तुम अपने आप को अध्यात्मिक बोलते हो। भैया भारत के अंदर तो हम इसको शर्मना, बस वस्त्र बदल दिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, इससे अध्यात्म नहीं आता है। अध्यात्म तो साधना और ज्ञान से आता है, और आध्यात्मिक परंपरा के बहुत बड़ी संख्या में लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं, हमारे महान संत उनके साथ खड़े हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे वो राम भद्राचार्य जी हो या कोई भी हो, सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत ये जो चर्चा आज के धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आज की हमारी चर्चा हुई डॉक्टर साहब, उसमें आपने बहुत वैज्ञानिक विवेचन किया। आम आदमी किसी अफवाह का शिकार ना हो, इसको आपने वैज्ञानिक तरीके से उसके सामने रखा, और भारतीय समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा की बातें आप लोग अपने प्रयासों से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका भी, और मैं सारे दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ।